हाय फ्रेंड्स, लेक्चर 17 बार साइंस फिजिक्स यूनिट 1 विद्युत बारों ने उत्तर दिए। फ्रेंड्स, आपने गया लेक्चर के अंदर डायपोल ना लिए, तेरी अक्ष ना दूसरा बिंदु गोलू विद्युत क्षेत्र नो सूत्र मिले। जिस सूत्र आटे को दोगे कि अक्ष इज इक्वल टू सूत्र टू अपॉन जेनी बच्चे को अपने अंदर जो एक साइड में बिंदु सूत्र तो एक स्ट्रोक पी इनटू कोई पी के रहता है इन दिशा दर्शा रहा है कि सदिश जे विद्युत क्षेत्र से ए पी डायपोल मोमेंट की दिशा में है आ टाइप का सूत्र आपने लगाया ये मैं ये विचार करके अक्ष ऊपर उद्भव विद्युत क्षेत्र से ए विद्युत क्षेत्र ए अंतरना वर्गना के घनना व्यस्त प्रमाण में से अंतरना घनना के प्रमाण में तो व्यस्त प्रमाण में आपने जो ये अब खास आप इसको जुबानी से तो आज हम लोग जो टॉपिक पे से बात करवाना चाहिए कि विषुव रेखा ऊपर उद्भव विद्युत क्षेत्र तो आज हम लोग टॉपिक से किए रहा हूँ डायपोल नहीं ये विद्युत डायपोल विद्युत डायपोल ने विषुव रेखा पन्ना बिंदुए उद्भवती विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानी जानी चाहिए क्यों डायपोल ने विषुव रेखा तो आपने नक्की कर दो क्या डायपोल जे माइनस विद्युत बार प्लस विद्युत बार बिचारी विद्युत बार बनने का चलो उनका जो टू है वह आप बता दी कंडीशन है डायपोल जे तो जो डायपोल माध्यम के प्रसार प्रति हो तो ये डायपोल जो हो ये डायपोल एक अक्ष जो है ये लंब है तो आ लंब ने आपने सुन दो विषुव रेखा बस वो आज से अपने ये आकृति दे दी है आ टाइप की आकृति से है चलो एक डायपोल से आ डायपोल छे माइनस क्यू प्लस क्यू बने घटाना विद्युत बार छे आ डायपोल नो ओरिजिन पॉइंट उगम बिंदु ओ छे ओ माथी पसार थती होय डायपोल ने लंब होय आ डायपोल ने एक रेखा बिछा रेखा ने
रेखा कहे छे। चलो डायपोल की शू रेखा आपने लिखी दी है, यहां डायपोल की शू रेखा छे, डायपोल की शू रेखा पर नो बिंदु, डायपोल की विषुव रेखा पर नो बिंदु P A उगम बिंदु O थी कितना अंतर आया है, जैसे मान लो कि x अंतर आया है, x उगम बिंदु O थी x अंतर आया है, जिया बिंदु आपको जी ए उगम बिंदु दी एक्स अंतर है, ये उठ जाएगा। चलो अगर सुनता है तो पी बिंदु ऊपर विद्युत क्षेत्र लास केना विद्युत लास के खास आपने खबर होई चुकी है, तो ना कुछ बिंदु पी पर माइनस क्यू अने प्लस क्यू अने माइनस क्यू क्या बिंदु पी पर प्लस क्यू अने माइनस क्यू बिंदु पर वड़े बिंदु पी पर माइनस क्यू अने प्लस क्यू विद्युत भार वड़े विद्युत क्षेत्र लागू होय छे। एना कारणे बन्नेना कारणे आ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र लागशे। चलो तो आपणे विचार लईए के केस नंबर 1 एवो विचारो छो, पहेलो केस तमारे एवो विचारो छो के प्लस क्यू विद्युत भारना कारणे पी पर लागू विद्युत क्षेत्र, એવું કહીએ ને કે પ્લસ ક્યુ વિદ્યુત ભારને લીધે બિંદુ પી પર લાગુ વિદ્યુત ક્ષેત્ર, ચલો પ્લસ ના કારણે લાગે છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ પ્લસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે આ પ્લસ વિદ્યુત ભારના કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કોઈ લાગશે આ બિંદુ ઉપર, તો એ આ ટાઈપનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગશે। આ ટાઈપ વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણે કહીએ આ કે આના કારણે જે પણ પછી વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગતું હશે
कार्बन रिपोर्ट चलो कार्बन रिपोर्ट है तो पाइथागोरस का प्रमेय जो आपने कही है कि एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो हम बताइए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगी और બીજો પણ આપણે એક પણ યુઝ કરી શકીએ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ इज इक्वल टू वर्गमूल के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो जो आदि जगह की मान हमको e प्लस इज इक्वल टू k q अपॉन r स्क्वायर की जगह की मान हमको आ जाए तो x स्क्वायर प्लस a नो स्क्वायर चलो समीकरण नंबर 1 आदि से दे माइनस विद्युतवाना कारण एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र लागसे तो हम केस नंबर 2 केस नंबर बी माइनस क्यू विद्युत भार ने लीधे बिंदु पी पर लागू विद्युत क्षेत्र शुद्ध आगे कह दे तो ई माइनस चार एंगल 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 चार एंगल
કે 180 નો બજો છે કે નહીં તો આપણે વિચારી 4 એંગલ નો સરવાળો ગુણો 1 ગુણો 1 ગુણો 2 ગુણો 3 ગુણો 4 180 ચલો ગુણો 1 કેટલા નો છે તો કે 90 θ ગુણો 2 કેટલા નો છે 90 θ ગુણો 3 કેટલા નો છે તો કે θ ગુણો 4 આપણે શું કરવાનો છે ગુણો 4 180 ચલો 180 કેન્સલ થઈ ગયા 90 180 સામે છે चलो थीटा थीटा के बाद ये कैंसिल हो गया माइनस थीटा प्लस गुणो 4 इज इक्वल टू 0 तो गुणो 4 इज इक्वल टू कितना थीटा એનો મતલબ આપણો ગુણો કેટલા હશે થીટા નો હશે આવી રીતે ફ્રેન્ડ્સ આવી થાય છે ઓકે એ પણ થીટા થીટા ગુણો હોય તો અહીંયા આગળ કેટલા નો હશે જે એનો cos ઘટક હોય તો આપણ આનો e પ્લસ કયો ઘટક હશે cos થીટા તો કુલ વિદ્યુતક ક્ષેત્ર चलो तो आप तो कैंसिल कर दो अब क्या लिखा है बिंदु P पर मर्दू कुल विद्युत क्षेत्र ये विद्युत क्षेत्र आपको क्या हो से विषम એ બીજો રેખા કેટલો છે e + cos θ e - cos θ e + cos θ + t - cos θ જો ફ્રેન્ડ કોમા બાદબાકી કરી સરવાળો કરો એની કોઈ કે સાતત નહીં કારણ કે બંનેના કારણે આના કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ દિશામાં લાગ્યું આના કારણે આ દિશામાં એક બીજો ઘટક આનો ઉપરની દિશામાં હશે એ e + sin θ હશે આનો પણ એક ઘટક નીચેની દિશામાં હશે e + sin θ સિદ્ધાંત દિશા લાગશે તો બંને નો કેવો કરો પ્રેશર મારો એક દિશા પર ચલો આપણે સરળ કરીએ e + q પણ કેટલા હતા k q / x² + a² cos θ cos θ કોમન ભાગજો ચલો જોઈએ આની અંદર cos θ cos θ કોમન ભાગતા હોય e + + e - cos θ હશે ચલો આ કિંમત e + અને - ની કિંમત કર દીજીએ KQ upon x નો સ્ક્વેર પ્લસ a નો સ્ક્વેર પ્લસ KQ upon x નો સ્ક્વેર પ્લસ a નો સ્ક્વેર cos θ cos θ ચલો KQ equal to KQ upon x નો સ્ક્વેર પ્લસ a નો સ્ક્વેર cos θ હવે કાળ જો આપણે ફ્રેન્ડ્સ થોડું એના પછી થોડી વિડિયો પછી માહિતી લઈએ એની દિશા તરફ જવાનું છે એનું cos θ નું મૂલ્ય चलो थीटा नो मूल्य कोस से जुड़ता है पापा भाग्या कर्ण कैसे पापा भाग्या कर्ण आओ लगा से कोस थीटा इज इक्वल पापा भाग्या कर्ण चलो पापा में कितना से कोस थीटा के अंदर कोस थीटा के अंदर पापा से ए कर्ण आर से तो ए अपॉन आर पर ए अपॉन आर इज इक्वल अपॉन कितना से ए आर इज इक्वल वैल्यू उपयोग शुरू का है x² + a² ની બરાબર થશે ચલો તો કિંમત મૂકી દઉં છું શું કાજે 2kq / x² + a² cos θ = કાજે a / x² + a² ની બરાબર ચલો હવે આપણે ભેગા કરી દઈએ તો ભેગા કરી દઈએ શું લખાશે જો चलो ये बात हम बिल्कुल भी कह दो जो तो जो बेगो करे आ गई बोलो बस ई विषु रेखा इज इक्वल टू सो लगा जाए तो 2 के क्यू ए अपॉन जो हम घात के लिए दसे हम घात ए छे आधार सपोज है तो घातो नो शू थसे सरवाळो
प्रकार से ई विषुवरेखा नी दिशा ए पी नी दिशा थी क्यों से विरुद्ध से माटे ई विषुवरेखा इज इक्वल टू 2KQA अब लगा से 2KQA अपॉन x नो स्क्वायर प्लस a नो स्क्वायर नी 3 बाय 2 का इनटू p कैरेट आवे पर विरुद्ध दिशा में होय तो बताओ शू આવશે माइनस कारण के विरुद्ध से એટલે સદિશ કેવો હશે વિરુદ્ધ દિશામાં તો માઈનસ હશે ચલો ઓકે ક્લિયર થઈ ગયું આને જો બધી વ્યવસ્થિત લખવું હોય તો तो अपन कहते हैं कि P is equal to सूत्र जो 2AQ तो यूं की दो E विषुवरेखा is equal to सूत्र से minus 2A यानि Q यानि P के जो KP upon x नो स्क्वायर प्लस a नो स्क्वायर नी 3 by 2 into P है चलो आ समीकरण नंबर आने दारे करो Thank you, friends.